हमारे बच्चे क्या खाएंगे, आप खुद इन सब करो इसके बारे में। कोई अफसर 4 किलो से 12 महीने के कर लेना, अभी 4 महीने तक वो किस तरह में गुजारूंगा। अभी ये फूड मिनिस्टर है और ये CM का हलका है और हम खुद इनके कारकुन है और हम खुद सरपा एहतजाज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे गिलगित बल्तिस्तान की सूबाई हुकूमत की कारकर्दगी, बिलखसूस वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की तरजीहात के हवाले से कि इस वक्त वहाँ के लोगों के लिए किन मुश्किलात का सामना है, किन इशूज़ से वो दो चार हैं और फिर खालिद खुर्शीद की तरजीहात क्या हैं, आज के प्रोग्राम में इस पर ही बात करेंगे। नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ एक मुलाकात हुई और ये मुलाकात इमरान खान पर कातलाना हमले के बाद ये पहली मुलाकात थी खालिद खुर्शीद की। इस मुलाकात में हमारे ज़राए के मुताबिक खालिद खुर्शीद ने इमरान खान को ये यकीन दहानी करवाई है कि जब आप हुक्म करेंगे, जब आप हमें कॉल देंगे, हम लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए एक ज़बरदस्त रैली की शक्ल में इस्लामाबाद आएंगे। और इस बात पर इमरान खान ने एतमाद का भी इजहार किया है खालिद खुर्शीद पर। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले खालिद खुर्शीद ने बाकायदा ज़बरदस्त एक रैली की शक्ल में शहर इकतदार में इमरान खान की कॉल पर, उसके हुक्म पर आने में वो कामयाब हो चुके हैं, पावर शो कर चुके हैं। तो इस बात पर उन्होंने यकीन दहानी करवाने पर इमरान खान ने एतमाद का इजहार किया है। एक चीज़ नाज़रीन जो मैंने आपको बतानी है इस मुलाकात के हवाले से कि इस मुलाकात में गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत के अहम अराकीन, बिलखसूस तहरीक इंसाफ के वो रहनुमा जिनको आजकल बागी अराकीन कहा जाता है, जिन्होंने एक बार फिर बगावत का ऐलान वो कर चुके हैं, सूबाई क़यादत पर अदम एतमाद का इजहार वो कर चुके हैं। अब इससे ये वाज़ेह होता है कि इस मुलाकात के बाद की जो तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान में दो दड़ों में, दो ग्रुपों में डिवाइड हो चुकी है। होना तो ये चाहिए था खालिद खुर्शीद को अपने सफ़ों में मज़ीद इतिहाद के लिए उन अराकीन को भी, बिलखसूस जो बागी अराकीन हैं उनको भी साथ मिलाकर लेकर आते और फिर खान के साथ मुलाकात कर लेते। अच्छा, इस मुलाकात के बाद हमारे ज़राए के मुताबिक ये फैसला किया गया है कि बनीगाला इमरान खान का घर, उसकी फैमिली और इमरान खान की ज़ाती सिक्योरिटी के लिए GB की जो पुलिस है उनको इख्तियार देने का फैसला किया गया है, उनको सुपुर्द करने का फैसला किया गया है सिक्योरिटी के तमाम मामूर। पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार किया गया है और उसकी बुनियादी वजह आप सब बखूबी आगाह हैं कि इमरान खान के अपने मर्ज़ी का वज़ीर आला होने के बावजूद, मर्ज़ी की हुकूमत होने के बावजूद, पंजाब में उनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद उनकी मर्ज़ी की FIR पंजाब में दर्ज करवाने में वो नाकाम हुए। जो कातलाना हमले के हवाले से उन्होंने 3 अहम शख्सियात का नाम ले चुके थे उनके ऊपर FIR दर्ज करवाने पे नाकाम हुए, पुलिस ने हाथ खड़े कर दिए। तो इसके बाद इमरान खान ने पंजाब पुलिस पर अदम एतमाद का इजहार करते हुए GB की पुलिस को ये तमाम जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं। नाज़रीन, इमरान खान के साथ मुलाकात में खालिद खुर्शीद कितने खुश थे, कितने पुरसकून थे, वो आप लोग फुटेज में आप देख सकते हैं। अब ज़रा हम बात करते हैं, ये तो हमारे वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद की तरजीहात हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, उनके अल्फाज जो मैं बता रहा हूँ वो। लेकिन वहीं दूसरी जानब गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल क्या हैं इस वक्त? मसाइल तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बेशुमार मसाइल का इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के लोग पिछले बिलखसूस ये 3-2 सालों से जो इनकी हुकूमत है, 2 साल से ज़्यादा का जो वो गुजर चुका है, इसमें वो फेस कर रहे हैं। लेकिन आजकल जो सबसे बड़ा जो इशू इस वक्त है वो गिलगित बल्तिस्तान में गंदम का बोरान है। पूरे गिलगित बल्तिस्तान के हमारे ज़राए के मुताबिक गंदम के जितने भी गोदाम हैं, जितने भी डिपो हैं, हर गंदम डिपो से 800 गंदम की बोरियों की कटौती की गई है। और यूँ गंदम के कोटे में कटौती के बाद हर जगह में लोग परेशान हैं और शराब एहतजाज हैं, मुश्किल का सामना है उनको। अब इस हवाले से मैं किसी और ज़िले की तरफ नहीं जाना चाहूँगा, किसी और ज़िले की बात यहाँ नहीं करना चाहूँगा, मैं उसी ज़िले की बात करना चाहूँगा जहाँ से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद का ताल्लुक़ है, जहाँ से वो मुंतखब हुए हैं,
मैं उसी ज़िले की बात करना चाहूँगा जहाँ से मुशीर खुराक शम्स लोन का ताल्लुक है, जहाँ से वो मुंतखब हो गए। नाज़रीन, सबसे पहले हम ज़िला सुर में भी हेडक्वार्टर की ही बात करते हैं। हेडक्वार्टर जहाँ से मुशीर खुराक शम्स लोन मुंतखब हो चुके हैं वोट लेकर, जहाँ बड़े ज़बरदस्त तरीके से उनको जितवाने में ईदगाह के लोगों का बड़ा किरदार रहा है। और इस वक्त ईदगाह में जो गंदम डिपो है, जो मुशीर खुराक शम्स लोन के घर से चंद फासले पर है, आधा किलोमीटर भी नहीं है, चंद कदम दूर जो गंदम डिपो है, वहाँ गंदम के कोठे में कटौती के बाद वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, उनका क्या कहना है, ज़रा पहले ये सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बालाई इलाकों की तरफ। पहले हमारा 10 किलो था, इसके बाद कार के 8 किलो गया, इसके बाद 6 किलो में, अभी 4 किलो, हमारे पूरा नहीं हो गया इससे कोटा, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, आप खुद इंसाफ करो इसके बारे में, कोई अफसर 4 किलो से 12 महीने का कर लेना। अच्छा, गंदम हम 10 घर का नफरी है, तो गंदम लिहाजा अभी तक नहीं मिला है, 1-2 तोड़ा मिला है टोटल डिपो से, बोरान दे गंदम का बहुत बेनाजाइज, ठीक है नहीं है। क्वार्टर का हूँ यहाँ, हमें अभी वो बर्फ भी पड़ने वाला है, तो यहाँ हमें गंदम नहीं मिलता है, लिहाजा हुकूमत से हमें अपील है कि हमें गंदम फरम करें। लोगों की गुफ्तगु सुनी, उनकी रोदात, उनकी फरियाद, उनकी इल्तिजा, और हमारे मुशीर खुराक शम्स लोन साहब जो हैं वो मीडिया में बैठकर अपोजिशन को ललकारते हैं और फिर वो बुलंद बांग दावे करते हैं, लेकिन वहीं दूसरी जानब अपने हल्के में उनकी कारकर्दगी आपके आँखों के सामने। अब ज़रा हम चलते हैं बालाई इलाकों की जानिब। सबसे पहले हम वज़ीर आला का जो हल्के इंतखाब है, गुदे यूनियन का जो बालाई इलाका है, दासक्रम के गंदम डिपो में 800 गंदम की बोरियों की कटौती के बाद भी जो उनकी गंदम डिपो में जो गंदम आने चाहिए थे वो भी पूरी इस वक्त तक, जबकि सीज़न की पहली बर्फबारी भी हो चुकी है, आज भी बर्फबारी हो चुकी है जब तक मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और अभी भी गंदम के कोठे में कटौती के बावजूद भी बकाया जो गंदम है वो भी नहीं पहुंचाया गया है, और वो लोग कितने परेशान हैं। और ये लोग वही हैं जिन्होंने खालिद खुर्शीद को वोट देकर जितवाया है, ज़रा सुनिए वो क्या कहते हैं। अभी ये फूड मिनिस्टर है और ये सीएम का हलका है और हम खुद इनके कारकुन हैं और हम खुद सरपा एहतजाज है कि अभी तक वो सिर्फ एहतजाज के चक्कर में लगे हुए और हमारे गंदम की बात नहीं कर रहे। 4 बोरी हमारा 6 महीने का राशन होता था, लेकिन इस साल हमें 4 तोड़े मिले हैं, दिखा रहा हूँ ये बिल्कुल 40 kg के 4 तोड़े मिले हैं, बाकी का गंदम हम कहाँ से लेंगे। मेरे 8 नफरी है घराने, 8 नफरी मेरे घराने में और मेरा कोटा बनता है 8 बोरी, जबकि मुझे 4 तोड़े मिले हैं और यही हालत पूरी दस्करे में यही है। अभी भी डिपो में गंदम इशू कर रहा है, किसी को 3 तोड़े किसी को 4 तोड़े दे रहा है और सीजन आके एंड हो गया है, ये नहीं कि दिन ब दिन, और वो कह रहा है एक दिन आता है महीने में, बड़ी मुश्किल से फरियादे करके वो बड़ी मुश्किल से यहाँ ड्यूटी कर रहा है। नाज़रीन, आप लोगों ने दस्करे के लोगों की फरियाद, उनकी इल्तिजा आप लोगों ने सुनी, ये तो गुदे यूनियन का इलाका है। अब ज़रा हम चल कर वज़ीर आला के आबाई गाँव के अतराफ में जो लोग रहते हैं वहाँ के मुश्किलात क्या हैं, वहाँ के लोगों के लिए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस बोरान की वजह से गंदम के। नाज़रीन, अभी हम आप लोगों को मोज़े छुगाम जो वज़ीर आला के गांवों का जो एरिया है, आबाई गांवों का जो एरिया है, वहाँ के गंदम डिपो में गंदम कोठे में कटौती और फिर बकाया गंदम अभी तक नहीं पहुँचाने की वजह से और नाकिस आटे की फरहमी की वजह से वहाँ के लोग कितने परेशान हैं, उनका क्या कहना है, ज़रा ये भी सुनिए। सालाना के हिसाब से हम यहाँ फी नफर फी एक बोरी हम लेते थे, इस साल हमें उससे महरूम रखा गया, अभी तक तो हमें नहीं दिया गया है और ये कहते हैं कि आपका गंदम नहीं है। हम यहाँ मतलब तंग होकर यहाँ बैठे हुए हैं, मतलब एहतियाज की सूरत हाल है, यह कंडीशन आप देख रहे हैं एहतियाज की सूरत हाल है, हमें अपना हक नहीं मिल रहा है, यहाँ हमारे बच्चों के लिए गंदम नहीं मिल रहे हैं, जितना हमारा हक था सालाना के हिसाब से हम ले रहे थे उस हिसाब से हमें नहीं दिया गया। 7 बोरी से हमारा अभी तक क्लोज हो चुका है, 7 बोरी हम खा चुके हैं, आगे 6 महीने का हमारा बंद सीजन है जिसमें हम खाए क्या, कहाँ से लाए, हम मजबूर हैं। हम गुजारिश करेंगे सीएम से या जो भी मुतलका इदारे हैं हुकूमत से, भाई वो हमें हमारा हक हमारा गंदम हम तक पहुँचाए, हमें दे रहे, हमें मजबूर न कराए।
तो कुछ भी नहीं, इससे हमारा कोई गुंजाइश नहीं है। और मेरे 14 नफर है, 4 बोरी मिला है, अभी 4 महीने तक वो किस तरह में गुजारूंगा। तो बड़ा मेहरबानी करके हमारा नहीं काटे, और सालाना पूरी पूरी इशू होते थे, अच्छे तरह इशू होते थे, अभी कट गए, मेहरबानी करके हमारा राशन इशू करें। नाज़रीन, एक और वीडियो आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगा। ये वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद के आबाई गांवों से चंद किलोमीटर दूर शंकरगढ़ गांवों का ये गंदम डिपो है, जहां लोग एक एक गंदम की बोरी हासिल करने के लिए, एक एक आटे के थैले के लिए किस तरह आपस में दस्त गरेबा हो रहे हैं, किस तरह एक दूसरे पर आज़ादाना मुक्कों का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, ये आप सुनिए। नाज़रीन, इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान के तमाम बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो चुका है, और इस वक्त बर्फबारी हो चुकी है, और मजीद बर्फबारी की वजह से किसी वक्त भी बलाई इलाकों की राबता जो सड़कें हैं वो बंद हो सकती हैं, और उसकी वजह से किसी वक्त भी किसी भी इलाके में गंदम के बहरान की वजह से कहत पड़ सकता है, और भूख की वजह से कोई नुकसान भी सामना आ सकता है। गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत, बिलखसूस वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान से ये हाथ जोड़कर हम इल्तिजा कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप उस सरजमीन के बेटे होने के नाते सबसे पहले आपकी तरजीहात गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के मसाइल होने चाहिए। वहाँ के लोगों के मसाइल हल करने के साथ साथ वहाँ के मसाइल के तहफ़ के लिए आपको गिलगित बल्तिस्तान के फर्जंद होने के नाते अपना किरदार वाजे तरीके से अदा करना होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह नेगेबान।